सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। मैं इन बालों का क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। सबको पता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते यार हमारी मैम कैसा हेयर कट करवा लिया, अच्छा नहीं लगता। लेकिन यार ये हेयर कट मैंने करवाया नहीं है एक्चुअली। जब मेरा प्रेगनेंसी था ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो उस टाइम ना मेरे हेयर ना निकल गए थे बहुत। अभी भी देखो बहुत सारे हेयर निकले पर है ना, वो सब हेयर फिर से आया ना, रीग्रोथ हो रहे वो वापस से, तो इस वजह से छोटू छोटू बाल हो गए। तो चलो सबसे पहले करते हैं अपने चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे प्यारे प्यारे मछलियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। ये देखो गाइज, ये वाली मछली का नाम आप लोग को याद है? किस किस को मेरे मछलियों का नाम गाइज याद है? अगर याद नहीं है तो लास्ट वाला ब्लॉग देखो, उसमें समझ आएगा। लेकिन गाइज ये वाला मछली को देख करके ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये वाली मछली ना प्रेगनेंट है। एक्चुअली ये प्रेगनेंट नहीं है, इसका पेट ही ऐसा, ये बहुत ज्यादा खाना खाता है। कल हमने खाना डाला था ना, इस मछली ने सबका खाना खा लिया, तो इस वजह से ना वो मछली थोड़ी सी प्रेगनेंसी टाइप लगती है कि प्रेगनेंट है। बट मछलियों में पता नहीं लगता यार गाइस कि कौन सी फीमेल है और कौन सा मेल है। अगर ऐसा पता लगने लगे तो मैं भी इन अपने मछलियों का, जैसे कि चंपा चमेली का शादी करवाऊ, दोनों का कलर साइज सब कुछ कितना मतलब सिमिलर है ना, एक छोटी है एक बड़ी है, लगता भी है कि वाइफ हस्बैंड बन सकते हैं दोनों। हाय हाय, प्रेगनेंसी की बात सुन करके ना मेरे को कुछ याद आ गया, बताओ। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाने के लिए, हेल्दी खाना। तो आज मैं अपने खाने में बना रही हूँ आलू पराठे साथ में दही, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। दही तो सबसे ज्यादा हेल्दी होता है ठंडी ठंडी, जो कि मेरे को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड मेरे को पता है कि अभी बहुत सारे लोग कमेंट क्या करने वाले हैं क्योंकि ना मैं अच्छे से किसी को क्लियर कर रही हूँ, सबको कंफ्यूजन में रख रही हूँ। बट कोई बात नहीं गाइस, कुछ दिन और वेट कर लो, उसके बाद मैं अच्छे से सब कुछ क्लियर करूंगी, बस थोड़े दिन वेट कर लो। तो मैंने अभी इधर आलू उबाल लिया है, आलू को भी दिया है थोड़ा सा सूखने के लिए, बिकॉज इसमें ना बहुत ज्यादा पानी पानी था ना, तो वैसे चिप चिप होता है ना, तो आलू पराठे बनते नहीं है प्रॉपर तरीके से। एंड इधर मैंने आटा गूंद कर रख दिया है, तो फटाफट से मुझे आलू पराठे बनाने, देन उसके बाद खाना पीना खाएंगे, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे लाइव। और लाइव आजकल हम लोग करते हैं 3 से 3.5 घंटा का, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है एक चेयर पर 3 से 3.5 घंटा लाइव करना। तो फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, देन उसके बाद लाइव करते हैं। एंड एक और चीज मैंने सोचा है, वो ये कि मैंने बहुत दिन से, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हो गए, 6 से 7 नहीं यार, लद्दाख जाने से पहले मैंने शायद बाइक चलाना छोड़ दिया था। आज मेरे को बहुत ज्यादा मन हो रहा है कि मैं आज अपना बाइक चलाऊं, क्योंकि इतने दिन नहीं चलाने की वजह से मैं शायद बाइक चलाना भूल गई। तो मेरे को आज बाइक चलाना है एंड देखना है कि मेरे को कितना याद है। क्योंकि पता है गाइस, आज बाइक चलाने का रीजन है वो ये कि कल मैं जब बाहर घूमने जा रही थी ना, तो बाइक में मैंने देखा कि हमारे बाइक के चेन में ना जंग लग गई है। दिखाती हूँ मेरे को, ये देखो गाइस, हमारे बाइक के चेन में ना जंग लगी है। ये देखो, ये बहुत ज्यादा जंग लगी है। और बाइक पता है बहुत दिन से ना ऐसे का ऐसे दोनों बाइक ढका पड़ा है, हमारे दोनों बाइक में ही जंग लगी है। बिकॉज बहुत दिन से मेरे दोनों बाइक ही यूज नहीं हुआ, इसमें देखो चैन अच्छे से दिख नहीं रहा, बट इसमें भी देखो जंग लगी पड़ी है दोनों बाइक में। तो इस वजह से मेरे को आज बाइक चलाने का मन हो रहा है। मैं बाइक मतलब मैंने पंकज को बोला नहीं अभी तक, क्योंकि पंकज को मैं बोलूंगी तो मेरे को पता है कि वो डांटेगा कि नहीं अभी नहीं चलाना, सिचुएशन अच्छी नहीं है ये वो। हाय हाय हाय, मैं हर बात में आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात करती हूँ गाइस, क्या बोलूँ मैं भी पागल हो गई। लेकिन कोई ना गाइस, आज शाम को मेरे को बाइक चलाना है, चाहे मैं 2 मिनट क्यों ना चलाऊं, लेकिन चलाऊंगी आज बाइक। अभी मैं आलू पराठे बना रही हूँ और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं कब से ऐसा आलू पराठे बनाने लगी। ये है मेरा आलू पराठा, आलू पराठे के आलू आधा निकल गए हैं, आधा इधर से आटा निकल गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा, या फिर मैं ऐसे नहीं बना पा रही, या फिर आलू पराठा मेरे हाथों से बनना नहीं चाहता है। क्या करूं मैं, जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख आ गए मेरे, मैं सब कुछ बनाना भूल गई हूँ गाइस। आजकल मेरे से रोटी नहीं बनते, सब्जी नहीं बनते, कुछ नहीं बनते, कुछ बनाती हूँ तो स्वाद नहीं आता किसी को मेरे हाथ से खाने में, तो मैं आजकल बनाऊं क्या। अभी फटाफट से मैं अपने आलू के पराठे फिनिश करती हूँ एंड उसके बाद हम चलते हैं लाइव, बिकॉज लाइव करना है 2.5 घंटे का, और शाम को आ रहे मामा जी, और पंकज को ना मामा जी के साथ कहीं जाना भी है। अब पता नहीं है मेरे को कि अब हम शाम को बाइक चला सकते हैं भी या नहीं। सो गाइस, लाइव सेटअप तो हमने कर लिया एंड पीछे देखो गाइस, हमारी चंपा मेरी लेजर कुरकुरे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आज हमारा लाइव स्ट्रीम ये भी देखेंगे साथ में, क्यूट क्यूट सी मछलियाँ। पता है जब से ये मछलियाँ आया ना, तब से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ एकदम मस्त मस्त, मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं घर में सिर्फ। तो गाइस फाइनली हमारा स्ट्रीम यहाँ पर बंद होने वाला है। नहीं होगा, अभी अभी खेलेंगे हम लोग। क्या पहनूंगा समझ ही ना रहा, एक तो सारा छपरी सा स्टाइल इसका अच्छा लग रहा है देखने मेरे को यार, ये नहीं यार कुछ। गाइस मेरे को ना अपना पति बदलना है, तो बताओ मैं पति बदलू क्या तुमको पहली फुर्सत में? तो गाइस मैं ना इधर पति बदलना चाहती हूँ, कोई है फ्री बताओ?
लेकिन देखो मेरे कुछ डिमांड है, मेरे को स्टार्टिंग में 50 लाख डायमंड कोई कहेगा रहन दो आप जहाँ बैठे हो बहुत अच्छी जगह है। गाइस ये मेरे को छोड़ना नहीं चाहता, बहुत प्यार करता है मेरे से, बहुत प्यार करता है, इतना प्यार क्या बोलूं मैं। फाइनली गाइस अभी तो हमने अपना लाइव बंद कर दिया, बिकॉज अभी अचानक से मामा जी आ गए ना, तो लाइफ तो हमने बंद कर दिया एंड अभी जा रही मैं मामा जी के लिए चाय बनाने के लिए। इस घर में अगर सबसे ज़्यादा किसी से डर लगता है ना मेरे को, तो वो है मामा जी और दूसरे हैं नाना जी। इनसे सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो इनके सामने मैं ज़्यादा कैमरा वैमरा ऑन नहीं करती, ना ज़्यादा ब्लॉगिंग करती हूँ, ना ज़्यादा बोलती हूँ, कुछ भी नहीं। तभी फटाफट से उनके लिए चाय बना के देती हूँ। एंड आपको अगर थोड़ा सा भी टाइम मिला ना कि मामा जी का नज़र इधर उधर हुआ तो मैं आप लोग को दिखा सकूँ। ऐसे तो मेरे मामा जी इतने अच्छे हैं ना, नेचर के इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हम लोगों से पूछो मत, बट फिर भी एक रिस्पेक्ट आते हैं ना दिल से, तो रिस्पेक्ट के साथ डर भी आता है मामा जी के लिए, भाई कहीं कोई गलती होगी तो डांट ना दे। तो इस वजह से उनके सामने ज़्यादा बोलना ना, ज़्यादा कुछ कहना कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनना बस। फटाफट से मेरा चाय भी बनने वाला है 2 मिनट के अंदर, उसके बाद छान कर फटाफट से मामा को दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने मामा जी को चाय दे दी है और मामा जी यहाँ पर मेरे बुग्गी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन मेरा बुग्गी इतना ज़्यादा डर रहा है ना मामा जी से, बिकॉज ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने बाद मामा जी से मिल रहा है, तो पहचान नहीं पा रहा। और यहाँ पर कर रहे हैं सारे मिलकर के मामा जी, पंकज, और इधर मेरा बुग्गी कर रहा है मेरे बच्चे को परेशान, मतलब पंकज को परेशान कर रहा है। इधर सारों के गप्पे हो रही है और ये अपने काम में बिजी है, बस कुछ नहीं काम है, जहाँ जाओ वहीं पर रहता फैलाओ। सो गाइस फाइनली अभी मामा जी तो चले गए, एंड मामा जी गए थोड़ा लेट से, ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे के आसपास, तो इधर ना अंधेरा हो जाता, तो इस टाइम हम लोग बाइक चलाने जा नहीं सकते थे, तो आज तो बाइक चलाना कैंसिल, लेकिन कल हम जरूर जाएंगे। पंकज ने कहा है कि कल मैं तेरे को लेकर जाऊंगा लाइव स्ट्रीम, मतलब शाम के टाइम में ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना कम धूप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोपहर में इतनी तेज धूप रहती है ना, बाहर तक नजर नहीं डाल सकते, इतनी तेज धूप रहती है। वैसे गाइस आप लोग को तो पता है ना, मछलियों को खाना देना कितना ज्यादा शुभ माना जाता है, मतलब कितना अच्छा माना जाता है कि किसी बेजुबान जानवर को अगर हम दान करते हैं, खिलाते हैं, तो कितना अच्छा माना जाता है। तो आज पंकज और बुग्गी दोनों नहीं यार सिर्फ बुग्गी से आज खाना डलवाऊंगी अपने मछलियों को, देखते हैं बुग्गी खुद खाता है या फिर मछलियों को खिलाता है। क्या कर रहा है दोनों? पकड़ रहा है मछली को, देख मछली पकड़ रहा है। हाँ तो डालो उसके अंदर, डाल दो ना, बस हाँ बाहर से पकड़ो, सिर्फ पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, चलो चलो हो गया, बस बातें कम, ये लो चलो पेट फूड खिलाओ मछलियों को, चलो देखते हैं गाइस। हाँ इसी से खिलवाऊंगी मैं आज, कितना अच्छा काम है ये, हाँ बिल्कुल खिलाएगा, खिलाएगा ना, सिवाय मेरे को लग रहा है इसको खिलाए ना खिलाए, खुद जरूर खा लेगा, बस हाथ में डालो अच्छे से, गोद में पहले इसको, गोद में ले पागल इंसान, ऐसे हो जाओ, हाथ खोलो, हाथ ऐसे 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 लो, सिवाय का छोटा छोटा सा हाथ, मेरे बच्चे का छोटा छोटा सा दिखाओ, गिरा दिया थोड़ा सा, थोड़ा हाथ में है, शिवू ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, नहीं खाना नहीं है, खाना नहीं है तेरे को, नहीं खाना मछली का शिवू, एक बार हाथ छोड़ तो सही, देख तो सही वो क्या कर रहा है, हाथ नहीं देते गंदी बात, शिवू गिरा देगा नीचे, डाल तो यार वो डाल रहा है ना, शिवू गिरा दो इसमें, डाल दो बचा नहीं ना उसके हाथ में, डाल दिया, पता नहीं है, मछली पकड़ रहा सीधा, एक बार एक मछली डालो उसके हाथ पे रखना, एक बार ओ पागल है क्या, दबा देगा पकड़, नहीं दबाएगा ना, हाथ खुला रखना, एक बार बस ट्राई करना, नो नो एक बार ट्राई करना यार, मछली खा रही है, इधर इधर खा रही है, दो बड़ी वाली यार, ये मोटी दोनों खा जाती है, पकड़ेगा नहीं, गंदी बात, अरे हाथ छोड़ना यार, पकड़ लेगा पागल है क्या, मर जाएगी वो, इतनी वो घबरा जाएगी भाई, नहीं पकड़ेगी यार, मेरा बच्चा है टैलेंटेड है, रुक एक सेकंड, रुक, ले ले ले, हाँ आओ, खा नहीं गंदी बात, सिर्फ गंदी बात, सिर्फ गंदी बात, डालने दे यार एक बार, तो डालने दे एक बार, पकड़ने दे यार, यार ये छप छप करेगा, पानी पानी कर देगा, और कुछ नहीं है, रहने दे मछली, अगर डर जाएगी हमने कोई फायदा, चल बंद कर दे, बंद कर दे, ऊपर भी चढ़ेगा टांग डाल के, बंद कर दो, बंद कर दो, अरे कहाँ चढ़ रहा है ये लड़का, चलो बंद हो गया सिवाय, अब ये जानता है कि खोलना कैसे, फिश 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 सिवाय फिश फिश है, पकड़ो इसको ये दो गाइस, अच्छा तू मेरे को एक बात बता, तेरे को क्या लग रहा है ये मछलियाँ प्रेग्नेंट है क्या,
पागल है क्या, इनकी शेप ही ऐसी होती है यार, इसकी शेप ऐसा नहीं लग रहा कि प्रेग्नेंट है। नहीं है, और ये दूसरी और ये दूसरी, दोनों के ना वैरायटी अलग अलग है, ठीक है दोनों। अच्छा तेरे को क्या लग रहा है इसमें? अरे बस बेटा, तेरे को क्या लग रहा है इसमें मेल कौन सा फीमेल कौन सा इन दोनों? ये दोनों ही अलग अलग है यार, मेल फीमेल मुझे क्या पता होगा मेल कौन सा फीमेल कौन सा। तेरे को पता है, सब पता है मुझे। इसका नाम मेरे को पता है, इसका कलर टेट्रा, ठीक है, और ये गोल्डन फिश, और इसका नाम नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, चल बेबी हटो यहाँ से, चलो हटो इधर से ले चलो, बस हो गया, चलो चलो मछलियों को परेशान नहीं करना ज्यादा। हाँ बस हो गया, बहुत कर लिया, फोटो दे दिया बस, बहुत इतना ही। तू क्या कर रहा है अब? अरे वेस्टेज जो फूड करा ना उसने, गिराया था तो अपने हाथ से, वोरा वो सारे खा के डाल देता हूँ ना, वेस्ट होगा ये, क्या फायदा करता है। डाल दे, चार पांच तो गिरी गए उसके हाथ, यार छोटा सा तो हाथ है। 20-1 तो दाने मैंने लिए थे, 10-1 उसने गिरा दिए, 10-1 अंदर डाल दिए। तो बच्चे का छोटा सा तो हाथ है, ऑब्वियसली गिरेगा ही। डाल दिया उतना ही अच्छा किया। हां गिरा दे इसमें। मेरे छोटी वाली मछली खाना खाती ही नहीं है यार, ये बड़ी वाली यार, वो बड़ी आलसी है छोटी मछलियां अपनी। छोटी वाली ऊपर आ जा। नहीं आएगी वो छोटी, देख किधर ही घूम रही है। अंदर इनको पता लग जाता, पता। हाँ वो बड़ी वाली को तो पता लग जाता गाइस, वो देखो वो उनको समझ आ गया कि हम लोग दिए यहाँ पर खाना देने वाला है, लेकिन छोटे वाले को समझ नहीं आता। अब डाल ये नीचे ऊपर घूम रही है। डाल दू? हाँ डाल दू, ये बड़ी वाली ले जाएगी। डाला देख मैंने, छोटी वाली आ जाएगी। नहीं छोटी वाली आलसी, वो आएगी, वो आएगी नहीं ऊपर, ये बड़ी वाली लेके आज खाएगी, देखना अभी आ गई है, देख दिखती है, आगे आगे देख सारा ले, एक गई दूसरी गई, हाँ सारा खा ले, अरे मोटी खा जाएगी सारी, तो ये मोटी खा रही है और तो कोई खा ही नहीं रहा सारा। उसको दिख रहा है ऐसा नहीं है यार, फिश आए आराम से ऊपर तक ये देख पा रही है, लेकिन अरे लेकिन उसका ना पेट भरा हुआ, इस वजह से लगता है वो ना खाने में कंजूस, इसलिए वो पतली है। हाँ हो सकता है। हाँ चलो कोई ना, तो ढक दे अब। चलो गाइस मेरे बेटे ने तो मछलियों को दे दिया उनका भोजन, एंड कुछ भोजन दिया, कुछ भोजन नीचे गिराया, कुछ भोजन उसने ट्राई किया कि मैं ही खा लूं, बट ऐसा होने नहीं दिया उसके पापा ने। तो मछलियों को सच में खाना देना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, और मैं अपने बच्चे के हाथों से इसलिए दिलवा रही हूँ ताकि वो बचपन से ही पुण्य कमाए, अपने बुढ़ापे तक पुण्य कमाए मेरा बच्चा। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।